हेलो दोस्तों, मैं हूं रिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चिकनगुनिया के घरेलू उपचार। चिकनगुनिया एक तरह का वायरल फीवर होता है जो मस्किटो के कारण फैलता है। चिकनगुनिया अल्फा वायरस के कारण होता है जो मच्छरों के काटने से होता है। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन, सिर दर्द, नौशिया, वॉमिटिंग और जी मचलने जैसा होता है और कुछ लोगों को नाक और मसूड़े से खून बहता है। मच्छर के काटने के 12 दिन बाद चिकनगुनिया के लक्षण आते हैं। फीवर में बॉडी की प्लेटलेट्स काफी कम होती है, ऐसे में पपीते की पत्ती का जूस 2 चम्मच दिन में 3 बार ले। सिर्फ 3 घंटे में पपीते की पत्तियां ब्लड प्लेटलेट्स को इंक्रीज कर देगी। तुलसी और अजवाइन भी चिकनगुनिया में काफी फायदेमंद है। तुलसी और अजवाइन के सूखे पत्ती को 1 ग्लास पानी में बॉईल करें और दिन में 3 बार पानी की तरह पी लें। अंगूर को गाय के गर्म दूध के साथ लेने पर चिकनगुनिया के वायरस मरते हैं, लेकिन ध्यान रहे अंगूर बिना सीड्स यानी बीज का हो। किसी भी तेल में लहसुन और ड्रमस्टिक की फली मिक्स करके गर्म कर लें और फिर इस तेल से पेशेंट की मालिश करें। लहसुन को पीसकर उसमें लौंग का तेल मिक्स करके कपड़े से जोड़ों पर बांध लें। इससे बॉडी टेम्परेचर काफी कंट्रोल और जॉइंट पेन से आराम मिलेगा। एप्सम सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी गर्म पानी में मिक्स करके नहाने से या हो सके तो पानी में नीम की पत्तियां मिक्स करके नहाने से आराम मिलेगा। कच्ची गाजर खाने से चिकनगुनिया में आराम मिलता है क्योंकि इससे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है और जॉइंट पेन में भी आराम मिलता है। इसी के साथ चिकनगुनिया के घरेलू उपचार पर बना हमारे ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना न भूलें। लाइफ केयर चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास न आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बारिश की वजह से कई तरह के संक्रामक बीमारियां फैलती है और उनमें से एक है मलेरिया। बारिश होने की वजह से कई जगह पर पानी जमने लगता है और उन जमे हुए पानी में पनपने वाले अनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। इसीलिए मलेरिया होने पे सही समय पर उपचार करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं और उसके आयुर्वेदिक उपचार क्या है।